नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पार्टी की जिसका शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन उस पार्टी के सरगना अर्थात आम आदमी पार्टी के सरगना मुखिया या सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। उस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है और आरोप कोई और नहीं लगाया है, किसी विरोधी पार्टी के लोगों ने नहीं लगाया है, बल्कि उनके ही मंत्रिपरिषद का एक सदस्य कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके आंखों के सामने उनके दूसरे सदस्य यानी कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ये रुपए 50 करोड़ में हुई एक डील के लिए दिया गया है और ये 2 करोड़ रुपए कपिल मिश्रा के सामने दिया गया है। इस बात को जब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि आदमी से गलती हो जाती है, अगर आपने ये गलती की है तो आम लोगों से माफी मांग लीजिए, लोग माफ कर देंगे। दिल्ली की जनता बहुत ही दिलवाले हैं, वे गलती के लिए पहले भी आपको माफ कर चुके हैं, इस गलती के लिए भी वे आपको माफ कर देंगे। लेकिन ये कहकर जब कपिल मिश्रा वापस अपने घर आए तो केजरीवाल ने रातों रात मीटिंग बुलाकर मनीष सिसोदिया के द्वारा कपिल मिश्रा को मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बहाना बनाया कि जल बोर्ड में शिकायतें आ रही थी। जल बोर्ड में शिकायतें क्या आ रही थी कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, लेकिन यही केजरीवाल और यही मनीष सिसोदिया जल बोर्ड की तारीफें करते हुए थकते नहीं थे। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जगह जगह जाकर कपिल मिश्रा की तारीफें किया करते थे। तो क्या उस वक्त कपिल मिश्रा की जो तारीफें केजरीवाल किया करते थे वे झूठ था, या आज जो वे कह रहे हैं वे झूठ है, या जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है वे बिल्कुल सच हैं? मामला जो भी हो, केजरीवाल पे जो आरोप लगे हैं वे गंभीर हैं और इस आरोप के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने ऊपर जांच के लिए कमेटी बना लेना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि केजरीवाल स्वच्छ हैं। और अगर केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त था और लोगों को दिखाने के लिए ढोंग रच रहा था। ढोंगी था केजरीवाल या वे वाकई में ईमानदार है, इसका परीक्षा देने का समय आ चुका है। केजरीवाल को ये साबित करना होगा कि वे ढोंगी हैं या ईमानदार हैं, वे इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो समझ लीजिए वे ढोंगी है, केजरीवाल ढोंगी है, और अगर वे इस्तीफा दे देते हैं तो ये समझिए कि वे उससे लड़ने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।